डॉक्टर वो होश में आ गई। मिसेस शारदा कोहली होश में आ गई। गुड, लेट्स गो। क्या है? छोड़ो छोड़ो मुझे, क्या हुआ? पकड़ क्यों रखा है मुझे? मेरे पति कहाँ है? निमा, क्या हुआ निमा को? छोड़ दो इन्हें, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नर्स? यस सर। अभी पैसे दिन दे दो। ओके। क्या हुआ था? मैं तो बेहोश हो गई थी ना। बहुत देर से बेहोश थी। हाँ, कई 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 घंटों से। क्या वक्त है? कितने बजे थे जब मैं? कई घंटों से नहीं, कई दिनों से बेहोश हो तुम। लेट जाओ, इंजेक्शन ले लो। नो डॉक्टर गोखले, शारदा कोहली के पूरी तरह ठीक हो जाने के चांसेस कम हैं। साल या दो साल पुराना केस होता तो उम्मीद बन भी सकती थी, लेकिन 14 साल। मैं मानता हूं डॉक्टर गुप्ता, 14 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता इस अरसे से भी उसे वाकिफ करा देना चाहिए, और जैसे ही कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई दे तो उसे उसके घर, उसके अपने लोगों के पास भेज दें, तो जल्दी ही नॉर्मल हो सकती है। मिस्टर कोहली को खबर की गई है या नहीं? उनके ऑफिस फोन किया था तो पता चला कि वो दिल्ली गए हुए हैं। मेरे ख्याल में उनके घर जाकर उनकी पत्नी को सारी पोजीशन समझा देनी चाहिए, फिर जैसा वो कहें। आई थिंक यू आर राइट। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपसे कहूं या ना कहूं। मिस्टर बलराज होते तो कोई बात नहीं थी। दीदी ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। पिछले कुछ दिनों से हमने महसूस किया कि उन्हें काफी कुछ याद आ रहा है, वो लोगों को पहचानने भी लगी हैं, इसलिए हमने सोचा कि अगर उन्हें कुछ दिनों के लिए अस्पताल से घर पे ला के रखें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा, वो पूरी तरह से ठीक भी हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, दीदी पूरी तरह ठीक हो जाए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? पर उससे भी जरूरी बात एक और है। कौन सी? इन 14 सालों में जो कुछ भी बीता है उससे वो वाकिफ नहीं है, जैसे कि आप अभी तक उनके लिए विधवा हैं, और उन्हें यह भी कतई तौर पर नहीं बताया जा सकता कि आपने मिस्टर बलराज से शादी कर ली है। इस तरह का कोई भी सरप्राइज उन्हें फिर से सदमा पहुंचा सकता है। धीरे धीरे नए वक्त के साथ उन्हें अपना परिचय खुद करने दीजिए, उनका पूरा ख्याल रखिए, जैसे जैसे उनका सोने का कमरा, पलंग की जगह, पर्दों के रंग, साबुन और परफ्यूम अगर वो इस्तेमाल करती थी तो। अब उनकी पूरी जिम्मेदारी आप पर है, आपकी कोई भी भूल उन्हें फिर से पागल कर सकती है। आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर साहब, दीदी को किसी भी बात का पता नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब, दीदी कब तक घर लौट आएंगे? अभी यकीन से नहीं कहा जा सकता, कुछ दिन तो और लगेंगे। मिस्टर बल्ला जब आ जाएं तो मुझसे मिलने के लिए कह दीजिएगा।
जी। अच्छा तो मैं चलूं। दीदी, बड़ी दीदी अच्छी हो गई, वो घर आ रही हैं। हाँ रामू, भगवान ने चाहा तो दीदी घर लौटाएंगे, लेकिन 14 साल पहले की दुनिया में कैसे तू उन्हें, मेरे बस में नहीं है रामू। 14 साल में मन बदल जाते हैं, आंखों के रंग बदल जाते हैं रामू, उम्र बदल जाती है, वो सब मेरे बस में नहीं है रामू। मैं दीवारों के रंग बदल सकती हूँ, चदरें बदल सकती हूँ, लेकिन इन दीवारों से, चादरों से लिपटी हुई 14 साल मैं कैसे अलग करूंगी रामू, मैं कैसे अलग करूंगी, मेरे बस में नहीं है रामू। शारदा कोहली अपने बिस्तर पे नहीं है। तो मेरा मतलब वो अपने कमरे में नहीं है। तो कहाँ गई? मुझे नहीं मालूम। तो और कैसे मालूम होना चाहिए, ड्यूटी पे तुम थी या मैं था? जाओ ढूंढो उसे जाके। इधर आओ, मिस्टर शारदा कोहली को ढूंढो जाके। रामू पर्दे लग गए। हाँ दीदी। हाँ वो ये सब बब्बू के खिलौने, वो अलमारी में रख दो। अच्छा अच्छा। ओ माँ, मेरे कपड़े सारी चीजें अंदर रख देना। हाँ हाँ। अच्छा जल्दी करो ना रामू, डॉक्टर का कहना है दीदी किसी वक्त भी आ सकती हैं। अच्छा। हेलो, कौन? डॉक्टर गुप्ता? नहीं अभी तक नहीं पहुंची, पहुंचते ही मैं खबर कर दूंगा। आई एम श्योर वो इसी घर में आएंगी, क्योंकि कल होश आते ही उन्होंने अपने घर जाने के लिए। हाँ हाँ मैं खबर कर दूंगा। नहीं मिस्टर कोहली अभी तक दिल्ली से वापस नहीं आए, लेकिन मैंने सारे चेंजेस करवा लिए, यहाँ पहुंचने पर उन्हें घर वैसा ही मिलेगा जैसा वो छोड़ गई थी। ओ माँ, ये क्या रह चला था? ये फिलिप्स रोड है ना? जी हाँ, पहले फिलिप्स रोड ही कहते थे, अब इसे देशमुख मार्ग नाम दे दिया गया है। कब से? 4-5 साल हुए। लेकिन यहाँ ये पुल तो नहीं था? ये तो हमेशा से यही था मैडम। नहीं, ये पुल यहाँ नहीं था। पिछले 10 साल से तुम्हें इसे यही देखा हूं। 14 साल से तो नहीं देखा ना। तो क्या आप 14 साल के बाद शहर में लौटी हैं? हाँ, थी तो इसी शहर में, लेकिन 14 साल बाद लौटी हूं।
आप क्या शायर हैं? क्यों? वो लोग कुछ ऐसी बातें किया करते हैं। आपको जाना तो बंद रोड है ना? डॉक्टर साहब, इतनी देर में जो मैं कर सकती थी वो सब मैंने कर दिया। अब वही होंगे दीदी। रामो, अभी नहीं, जब मैं ऊपर चली जाऊं तब खोलना। हाँ दीदी, रामो, तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो। बहुत अच्छी तरह से रखा है तुमने। छोटी दीदी देखती है ना, वो भी यहीं रहती है? हाँ, जब कभी आती है पिताजी के यहाँ से तो यहीं रहती है। मेरा बेटा